क्लास टेंथ वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। त्रैमासिक परिचय 2021-22 कक्षा 11वीं, विषय राजनीतिक विज्ञान। 2.5 घंटे का पेपर है, निर्देश आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। साथियों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको राजनीतिक विज्ञान का जो कल आपका पेपर है कक्षा 11वीं का, उसके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लिखिए। यदि आपने इन प्रश्नों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लीजिए साथियों, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। इसके खालिस्तान वगैरह सब बताऊंगा मैं, फुल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा आपको, बिल्कुल टेंशन ना लें। कब बताऊंगा वीडियो को, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। राज्यसभा के गठन तथा कार्य का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में छपा आपको मिलेगा। अभी तक इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा ज़रूर। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, कार्यपालिका का 4 कार्य लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसी वीडियो का यदि आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। अगला वीडियो पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखिए। राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 3 उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है ना, निर्देशक तत्व तो आपको लिखना है इसमें। उसके बाद में प्रश्न नंबर आप सभी दोस्त 5 देखेंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति बनने हैं तो कोई 3 उपाय आपको बताना है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कीजिएगा। जिसके बाद में प्रश्न नंबर आप 6 देखेंगे, एकल संक्रमणी मत प्रणाली किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका उत्तर भी आपको बताया जाएगा। यदि आपको उत्तर नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल की लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है 7वां देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये छपा मिलेगा आपको पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तक है, यहाँ पर बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, साधारण बहुमत व पूर्ण बहुमत में अंतर लिखना है। जिसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के दर्शन के अर्थ की व्याख्या कीजिए और मतदान किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है तो आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए फटाफट। इसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 10वां 11वां देखिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कमेंट आ रहे थे इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन 11वां देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10वां हो गया और 11वां हो चुका है। उसके बाद में 11वें में जो है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को आपको लिखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका आएगा साथियों, हाँ सभी वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो को पाने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 12, लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य लिखिए। 13वां देखिए, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी है आपकी स्क्रीन पर, आप सारे प्रश्न अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य लिखना है और भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी स्क्रीन पर है। इन प्रश्नों को यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है साथियों तो याद कीजिएगा, ताकि आप अच्छे नंबर लेकर आ सकें त्रैमासिक परीक्षा में। सभी दोस्तों को हर एक वीडियो बताया जाता है, देखिए यहाँ पर 15, 16, 17, 18 प्रश्न, ठीक है। ये इन प्रश्नों से बाहर आपका एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। यदि इन प्रश्नों को आपने अभी तक याद नहीं किया है तो इन प्रश्नों को साथियों याद कर लेना। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 16वां भी है, ठीक है। उसके बाद 17, 18 भी बताएंगे आपको। देखिए यदि आप अगला वीडियो पाना चाहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले साथियों, जिससे जब नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। 17वां हो गया, 18वां हो गया, इससे बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है साथियों, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आपने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है।
ओके, मिलते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। आपको आपके पेपर से पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के राइट आंसर बता दिए जाएंगे और जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं वो भी बता दिए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, इसी प्रकार जुड़े रहें, इसी प्रकार अपना प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें।